इनका बस चले तो ये हर चीज को बेचेंगे। ये भी इनका जो है बिजनेस है, व्यापारीकरण है तिरंगे के नाम पे। अगर ये कहते हैं कि भाई हर घर में तिरंगा या चुरंगा लगना चाहिए, तो हम कहते हैं कि आप हर घर में रोजगार क्यों नहीं पहुंचा सकते? क्या कारण है कि हर घर में आप स्वास्थ्य और शिक्षा नहीं पहुंचा सकते? क्या कारण है कि हर घर के अंदर आप भारत को नेशन बनाने की बात क्यों नहीं करते? ना क्या कारण है कि आप भारत के हर घर में संविधान नहीं पहुंचा सकते? परंतु ये मजबूरी क्या है, ये समझ में नहीं आता कि ये मेन मुद्दों से ध्यान भटका कर इन मुद्दों में लगाना चाहते। देखिए, देशभक्ति जगाने की ठेकेदारी अगर ये ले रहे हैं तो सबसे पहले ये अपने अंदर देशभक्ति जगाएं। इनके हेडक्वार्टर पर 52 साल तक तिरंगा या चुरंगा नहीं फहराया गया था, और ये जो देशभक्ति हमें इनसे सीखने की जरूरत नहीं है। झंडा फहराने को सिर्फ देशभक्ति नहीं कहते, देश पर मरने को, देश के लिए काम करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने की जितनी भी नीतियां हैं उन सबको देशभक्ति बोलते हैं। अगर ये सोचते हैं कि देशभक्ति का मतलब सिर्फ झंडा फहराना है तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि देशभक्ति की परिभाषा में सिर्फ ये नहीं आता कि आप थाली बजाओ। देशभक्ति की परिभाषा में ये नहीं आता कि आप झंडा लगाओ। देशभक्ति की परिभाषा में आता है कि जो देश छोड़ के भागे उसे देशद्रोही घोषित करो। जो जातिवाद के नाम पर हमारे लोगों को मार रहे हैं, जो धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, अगर वो लोग भी देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो क्या ये देश के खिलाफ कार्य नहीं है? परंतु ये उन लोगों की बात नहीं करेंगे। इनके लिए देशभक्ति का पैमाना सिर्फ थाली बजाना, झंडा लगाना और इनका जो है गुणगान करना। तिरंगा हो या रोजगार हो या दवाइयाँ हो, आप ये देखिए कि ये झोला बांट सकते हैं, झंडा बांट सकते हैं, परंतु दवाइयाँ नहीं बांट सकते। अब जब आपने बात कही कि इनके पास पैसे जो कि भाई झंडे के लिए पैसे नहीं है, सही बात है। देखिए, भारत में देशभक्ति का पर्यायवाची सिर्फ और सिर्फ झंडा फहराना नहीं है, परंतु ये मुद्दे नहीं लाते। दूसरी बात ये कि जब आप अपने थैले बांट सकते हो, आप चुनाव में अपनी दारू बांट सकते हो, आप चुनाव में लोगों को खरीद सकते हो, आप चुनाव में विधायकों को खरीद सकते हो, तो क्या आपकी सरकार जो है फ्री में झंडे नहीं बांट सकती? सवाल तो ये भी है। परंतु देशभक्ति के नाम पर ये सभी लोगों के साथ छल किया जा रहा है, और जो ये वर्तमान सरकार है, ये सरकार चाहती है कि हम इधर उधर की बातें करते रहे और मेन मुद्दों से हमेशा भटके रहे। और इनके पास जितनी भी योजनाएं हैं, जिन योजनाओं को ये अपनी सरकार के प्रमोशन में लगाते हैं, अपना झंडा बांटते हैं, अपनी चुनाव चिन्ह बांटते हैं, अपनी बात करते हैं, परंतु जब भारत के राष्ट्र चिन्ह की बात होती है, राष्ट्र प्रतीक की बात होती है, तिरंगे चुरंगे की बात होती है, तो इनके पास फंड नहीं होता। अमृत इनके लिए अमृत है, जैसे इनके लिए अमृतकाल था शंभुक ऋषि की हत्या हुई, जैसे इनके लिए अमृतकाल था कि एकलव्य का अंगूठा काटा गया, जैसे इनके लिए अमृतकाल था कि सीता माता को जो है अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, तो वही आज जो आज़ादी के अमृत महोत्सव में आज इंदर मेघवाल को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि उसने मटके को छू लिया था। और उस ऐसे अमृत से अगर आप मानते हैं कि अमृत महोत्सव बनाना है, तो हमें ऐसे अमृत महोत्सव की जरूरत नहीं है। हम जहर महोत्सव भी पी लेंगे, परंतु हम समानता, स्वास्थ्य, शिक्षा और जो जाति को खत्म करने की बात करेंगे, और जो संविधान बाबा साहब ने बनाया उस संविधान को लागू कराने की बात करेंगे। देखिए, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं, पहले तो ये इस बात को क्लैरिफाई करें कि जो इन्हें आज़ादी मिली है 2014 में मिली है या 1947 में मिली है, क्योंकि इनके हिसाब से तो इन्हें जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली है, 1947 में नहीं मिली। और दूसरी बात, जब ये आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं, तो क्या ये आज़ादी के अमृत महोत्सव में भारत का अल्पसंख्यक, भारत का पिछड़ा, भारत की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या जो भी डिप्राइव्ड क्लास है वो शामिल है या नहीं, ये सवाल यह जरूरी है। देखिए, ये वो लोग हैं जो हमें देशभक्ति सिखा रहे हैं, जो हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। आज ये कहते हैं कि सिर्फ अपनी डीपी चेंज करो। अगर आपको डीपी चेंज करनी है तो क्यों ना आप डीपी जो है इंदर मेघवाल की लगाओ, जिसको सिर्फ पानी पीने के बाद आज़ादी के 75 साल बाद मार दिया गया। तो क्या आप इंदर मेघवाल की जो डीपी लगाएंगे? पर नहीं लगाएंगे, क्योंकि इनके लिए वो हमारे मुद्दे नहीं है। इनके लिए सिर्फ अपने मुद्दे सबसे बड़े हैं, और ये उन मुद्दों की बात करते हैं जो मुद्दे वास्तविक दुनिया से लेना देना जिनका कुछ नहीं है, जिनका भूख से, रोजगार से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है। तो उन चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए ये नए नए प्रपंच, नए नए नौटंकियाँ रच रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो है डॉलर भी वो 80 रुपये का हो गया। तो तिरंगा नहीं, चुरंगा है, ठीक है। इस चुरंगे के अंदर ब्लू कलर का एक अशोक चिन्ह भी है जो 4 कलर का है, तो तिरंगा नहीं, चुरंगा है। और इस तिरंगे के अंदर नीले रंग की भी उतनी भागीदारी है जितनी भगवे रंग की, हरे रंग की और सफ़ेद रंग की भागीदारी है। तो ये चुरंगा पहुंचाने की जो ये कवायद चल रही है, ये अगर हर घर तक शिक्षा पहुँचा दे, हर घर तक स्वास्थ्य पहुँचा दे, हर घर तक रोजगार पहुँचा दे, तो बहुत अच्छा होता। परंतु इन्हें पता है कि न मस्जिद की बात कर, न शिवालयों की बात कर, खाली शिकन मिले निवालों की बात कर, इन्हें पता है कि कुछ लोग जो है झंडा
झंडा फहराने से खुश हो जाएंगे, उनका आर्थिक जो है योगदान में उनका कोई लेना देना नहीं, अपने हिस्सेदारी में कोई लेना देना नहीं, संसाधनों में कोई लेना देना नहीं। तो जब ये नहीं देना चाहते तो इसी वजह से ये सारे के सारे मुद्दों को डाइवर्ट करके जो है झंडे की बात करने लगे। ये व्यक्ति का अपना विश्वास है कि वो तिरंगा लगाए या ना लगाए, क्योंकि जब हम तिरंगे की बात करते हैं और नेशनल इनेबलम एक्ट की बात करते हैं तो वो स्वेच्छा से किया जाना है। ऐसा नहीं है कि हम हिटलर शाही में रह रहे हैं कि जहाँ पर हिटलर का स्वास्तिक वाला जो झंडा है वो लगेगा, ऐसा नहीं है। कहीं भी लॉ ये रिक्वायर नहीं करता कि ये जबरदस्ती हमारे ऊपर जो है झंडा लगाने को थोपे जाएंगे, क्योंकि झंडे को लगाने से ज़्यादा उसका सम्मान जरूरी है। और अगर एक भी झंडा सड़कों पर मिलता है तो वो अपराध होगा और उस अपराध के लिए सरकार उतनी ही जिम्मेदार है जितनी कि उस झंडे का अपमान करने की। देखिए, ये व्यापार की राजनीति है, कभी ये हल्दी बेचते हैं, कभी ये सिलेंडर बेचते हैं और अब ये झंडे बेच रहे हैं। ये रोज नए नित नए कुछ ऐसे काम करेंगे जिससे कि एक विशेष वर्ग को फायदा हो और आम जनता को इससे कोई फायदा नहीं है। अगर ये 1,000 करोड़ रुपए के झंडे अगर ये बेच कर इन्हें फायदा होगा तो इससे बेहतर है कि 1,000 करोड़ रुपए के स्कूल कॉलेज खोले जाएं और शिक्षा स्वास्थ्य और समानता की बात की जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी फिर से जो दाखिले से फिर कोई नई जुमला छोड़ने वाले हैं कल को। देखिए, इनका कुछ पता नहीं, ये कोई भी जुमला छोड़ सकते हैं। हो सकता है कि जैसे इन्होंने 15 लाख का वादा किया था, 10 लाख रोजगार देने के वादा किया था, और हो सकता है कि ये कुछ और कह दे कि हम पूरी दुनिया पे राज करने जा रहे हैं। तो इनके जो जुमले हैं, जुमलेबाजी की इन्हें अच्छी ट्रेनिंग दी गई है और ये कोई भी जुमला छोड़ सकते हैं। परंतु ये विश्वास करिए कि जो बिहार में इस वक्त हुआ है उसके कारण इनके जो जुमलेबाजी है वो खत्म होगी और कहीं ना कहीं इनका जो है मुँह बंद होगा। मोदी सरकार ने वादा किया था कि हम 2022 तक किसानों की आय दोगुना करेंगे और हर गरीब के सर पर छत दे देंगे। देखिए, वादे तो ये शुरू से आज तक इन्होंने जितने भी किए हैं उन वादों पर ये खरा नहीं उतर रहे हैं। इन्होंने कहा था नोटबंदी होगी तो आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, नोटबंदी होगी तो लोगों के अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, हमारा सारा कर्जा उतर जाएगा। उसके बाद में GST बिल आया, उसके बाद में कई बिल ऐसे आए जिन्होंने इन्होंने मुँह की खाई है और सारी चीज़ें इन्होंने जो बिल हैं वो वापस लिए हैं। तो अगर ये कोई भी जुमलेबाजी करते हैं और उस पर अगर खड़े नहीं उतरते तो कोई नई बात नहीं है। इनकी आदत है कि लाल किले प्रचीर पर चढ़कर जो है ये कैमरे को देखते हैं और सिर्फ एक स्क्रिप्टेड इमोशंस के साथ खेलने के लिए कोई ना कोई जुमलेबाजी कर सकते हैं, कोई नई बात नहीं। गाजियाबाद के एक सर बाबा है नरसिंहानंद, उन्होंने बाकायदा कह दिया है कि जो तिरंगा है उसको हटा जाए और भगवा ध्वज फहराया जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी आबा बाबा ने अगर ये स्टेटमेंट दिया तो सबसे पहले उसके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। और दूसरी बात, वो जो बाबा है जिनका आप नाम ले रहे हैं वो सरकार के इशारों पे ये बात बोल रहे हैं और हो सकता है सरकार की मंशा ये हो। अदरवाइज ये बात अगर कोई और व्यक्ति बोल देता, मुस्लिम बोल देता, अनुसूचित जाति का बोल देता, तो ये लोग उसे देशद्रोही घोषित करके उसे जेलों के और सलाखों के पीछे डाल देते।